आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नवरात्र का नौवां दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना से प्राप्त होती है सिद्धियां। जगत जननी माता दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप के पूजन से ब्रह्मांड पर विजय पाने की सामर्थ्य होती है विकसित। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। या देवी सर्वभूतेषु माता सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमातो नमः। यह माता सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है। जगत जननी माता दुर्गा बहुत दयालु मातानी जाती है। थोड़ी सी आराधना करने पर ही माता प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्माचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुशमाताड़ा, पांचवे दिन माता स्कंदमाता, छठे दिन माता कात्यायनी, सातवें दिन माता कालरात्रि और आठवें दिन माता महागौरी की पूजा का। नवरात्रि के आखिरी दिन महानवमी को माता दुर्गा की नवी शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। माता दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के नवे दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मातारकंदे पुराण के अनुसार अनिमाता, महिमाता, गरिमाता, लघिमाता, प्राप्ति, प्राकामे, ईशित्व और वशित्व ये आठ सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माता सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में शर्धनारीश्वरश नाम से प्रसिद्ध हुए। माता सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माता सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मातोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माता सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के नवे दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माता के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाह। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मातांसिक रूप से माता भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपारस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माता भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माता के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। ऐसा माताना गया है कि माता भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अनिमाता, लधिमाता, प्राप्ति, प्राकामे, महिमाता, ईशित्व, सर्व का मातावसायता,
दूर श्रवण, परका माता प्रवेश, वाक सिद्ध, अमर्त्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर माता की कृपा का पात्र बन सकता ही है। माता की आराधना के लिए इस श्लोक का प्रयोग होता है। माता जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करने का नियम है। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप जानिए। माता सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। माता का वाहन सिंह है, यह कमल पर भी आसीन होती है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माता सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अति प्रिय होता है। माता सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। अब जानिए माता सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर आठों सिद्धियों को प्राप्त किया था। माता सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माता दुर्गा के नौ रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माता दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मातौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निमार्तान हुआ, जिसे माता सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्रि का नौवां और अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री को समर्पित एक विशेष अवसर है। उनका नाम, जिसका अर्थ है रहस्यमय शक्तियों, सिद्धि सिद्धि की दाता, दात्री दात्री, अपने भक्तों को आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली के रूप में उनकी भूमिका को पूरी तरह से दर्शाता है। माता सिद्धिदात्री में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है, जो उनकी दयालुता का प्रमातान है। भगवान शिव से उनके संबंध का महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि वह देवता के अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाती है। इस अनोखे रूप में भगवान शिव के शरीर का आधा हिस्सा सर्वाइच पुरुष का है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा सर्वाइच महिला का प्रतिनिधित्व करता है। अर्धा आधे को दर्शाता है, नारी महिला को दर्शाता है और ईश्वर भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रतिनिधित्व में महिला का आधा हिस्सा माता सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो उनकी दिव्य उपस्थिति को उजागर करता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं माता सिद्धिदात्री की पूजा के माताध्यम से अपनी रहस्यमय और दिव्य शक्तियां प्राप्त की। उन्हें अक्सर नीले कमल के फूल पर बैठे हुए दिखाया जाता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके चार हाथों में प्रत्येक में महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं, एक गदा, एक चक्र, एक कमल और एक शंख, जो उनके बहुमुखी स्वभाव को दर्शाता है। अपनी दिव्य उपस्थिति में माता सिद्धिदात्री गंधर्वों, यक्षों, सिद्धों, असुरों और देवताओं से घिरी हुई है, जो सभी देवी को नमन करते हैं। नवरात्रि का यह अंतिम दिन भक्तों के लिए उनका आशीर्वाद पाने, अपनी आध्यात्मिक खोजों को पूरा करने और सांसारिक और पारलौकिक दोनों इच्छाओं के लिए उनकी कृपा पाने का समय है। अब जानिए माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि। अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर और खुद को शुद्ध स्नान से साफ करके करें। आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपनी तत्परता का प्रतीक करने के लिए साफ कपड़े पहने। माता के लिए एक पवित्र स्थान बनाए और अपनी भक्ति के केंद्र में माता सिद्धिदात्री की मूर्ति स्थापित करें। जब आप उनका ध्यान करें तो देवी को प्रसाद चढ़ाए, अपने प्रसाद में शुद्ध इरादे और भक्ति भर दे। माता रानी को अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए फल, फूल और अन्य प्रतीकात्मक प्रसाद का चयन करें। एक दीपक जलाए और माता सिद्धिदात्री की आरती करें।
अपने आसपास के वातावरण को आध्यात्मिकता की दिव्य चमक से रोशन करे। पूजा समाप्त करते समय माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद ले अपनी कृतज्ञता और भक्ति व्यक्त करे। इस दिन भक्तों को खोपड़ी के बीच में निर्वाण चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस केंद्रित ध्यान के माध्यम से भक्त माता सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त अपने निर्वाण चक्र में आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। विशेष स्पर्श के लिए मातोस्मी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवमी पर इन प्रसादों से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न होती है। भक्ति और प्रसाद का यह कार्य ईश्वर से जुड़ने और देवी का आशीर्वाद पाने का एक सुंदर तरीका है। माता सिद्धिदात्री को माना जाता है अलौकिक शक्तियों की प्रदाता। सृष्टि की कहानी एक विशाल व्यापक शून्य से शुरू होती है जो पूर्ण अंधकार में लिपटा हुआ है। अचानक प्रकाश की एक दिव्य किरण फूट पड़ी जिसने अंधकार को दूर कर दिया और शून्य को उज्ज्वल प्रकाश से नहला दिया। यह प्रकाश जो शुरू में निराकार था धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री रूप धारण कर लिया और खुद को आदिशक्ति सर्वायच्च देवी के रूप में प्रकट किया। आदिशक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की त्रिमूर्ति प्रकट हुई। दिव्य माता के रूप में उन्होंने त्रिदेवों को मातार्ग दर्शन प्रदान किया तथा उन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। त्रिदेवों ने उनकी सलाह मातानी और कई वर्षों तक समुद्र के किनारे बैठकर तपस्या की गहन यात्रा पर निकल पड़े। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने माता सिद्धिदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती और शिव की पत्नी पार्वती का निमार्तान किया और उन्हें प्रदान किया। त्रिदेवों की भूमिकाएं निर्धारित की गई है। ब्रह्मा ने संसार की रचना की, विष्णु ने इसके संरक्षण की और शिव ने प्रलय के दौरान अंतिम विलीनीकरण की। उनकी शक्तियां उनकी संबंधित पत्नियों में निहित थी। माता सिद्धिदात्री ने उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाने का वादा किया। उन्होंने उन्हें 8 सिद्धियां प्रदान की अर्थात अनिमाता, महिमाता, गरिमाता, लघिमाता, प्राप्ति, प्राकम्बे, ईशित्व और वशित्व, साथ ही 9 निधियां और 10 अन्य अलौकिक क्षमता। उनके आशीर्वाद से सूक्ष्म जीवों से लेकर आकाशीय प्राणियों, सितारों, आकाशगंगाओं, नक्षत्रों और सौर मंडलों तक की विशाल सृष्टि सामने आई। 14 लोकों ने आकार लिया और माता सिद्धिदात्री ने कमल पर विराजमान होकर 4 भुजाओं में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण किया। अज्ञानता को दूर करने और ईश्वर को महसूस करने के लिए ज्ञान प्रदान किया जिससे ब्रह्मांड की भव्य रचना पूरी हो। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए जिन चीजों का भोग लगाया जाता है उनमें हलवा, पूरी, चना, खीर, नारियल, मातोस्मी फल शामिल है। माता सिद्धिदात्री को तिल भी बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें तिल या तिल से बने सामातान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता सिद्धिदात्री अनहोनी से अपने भक्तों की रक्षा करती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ इस प्रसाद को कन्याओं और ब्राह्मणों में बांटना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है
कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।